अभी तक उठे नहीं क्या आप? आप ठीक है? चाय पी, बिस्किट खा ले। अभी तक उठी नहीं क्या आप? उठ जाओ। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो गाइस, आज हम ना आए थे मिलाद पे, तो आपको ना बहुत प्यारी सी दो छोटी सी लिटिल बच्चियों से मिलाते हैं, ठीक है? तो वो ना मरीना की नकली होती है, सोनी लाती पई है। अस्सलामुअलैकुम, आप ठीक है? थोड़ा सी तो गाइस, ये हमारी फ्रेंड है, हम इनकी तरफ मिलाद में आए हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखे, ये मेरी बहुत ज़्यादा नजरत आ रही थी, प्यारी सी कुड़ी है। क्या कहा, मैं आई तो सोई हुई थी, मुझे भी नहीं पाई। क्या सोने लगती पाई? सोनी लग, मुझे वीडियो कॉल करती है और मुझे ऐसे ही कहती है, मैं करती हूँ हाथ, सोनी लग रही है। अभी भी मैं आई हूँ तो मैं लेट हो गई थी, तो ये गुड़िया सो चुकी थी, फिर ये उठी तो आ गए मैं, तो उठ के कहती हूँ सोनी लगती हुई है ना। मुझे कहती मारा अपने सोनी लगती हमारा। अच्छा अच्छा, कैसी हो आप? ठीक है? भी बच्ची आई है, आगे फिंगर टू ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये भी प्यारी लग रही है। हाँ, और उसको नहीं है मारा? किसको? वो बड़ी बहन, वो उसकी ले ली। हाय गाइस, ये देखे मेरी बहन को किसी ने मशवरा दिया था कि आप ग्रीन टी बना के पिया करें, तो वह मेरे लिए ग्रीन टी लेके आई है। उसको ना किसी अंकल ने कहा था कि बेटा आप ना डेली ग्रीन टी पिए, एक तो आपका कान का रेशा सड़ जाएगा, और दूसरा अंकल ने कहा था कि आपका वेट भी लूज होगा। तो अब उसी मुताबिक हम दोनों बहनें चल रही हैं उन अंकल के मुताबिक। तो हम लोग ना सबसे पहले सुबह उठते सारे ग्रीन टी पी रहे हैं। बाकी हाँ, वाकई फ़र्क पड़ा है अंकल के कहने पे। तो अंकल जी, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, हम लोगों को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? सो गाइस, मेरी बहन ने, अंकल ने जस्ट कहा था कि आपने जस्ट ग्रीन टी पीनी है, लेकिन मेरी बहन इसमें शहद लेके आ गई है डाल के, अब वो मुझसे पी नहीं जा रही। बंदा पूछे पागल हो रहा, शहद क्यों पाए? अंकल ने जस्ट ग्रीन टी किया ना, तो जस्ट ग्रीन टी लेके आती तुम। की चोरियां करन रही है? हाथ ना लाई गाइस, ने जीजी ले आके रखी हुई जे।
माइंड योर लैंग्वेज नहीं नहीं अभी ये वाला चलाओ सो गाइस मेरे जो है फर्क पड़ा तो मैं नहीं पड़ा मैं ना तुम्हें आज दूसरी जगह ले जाती हूँ अंकल ने मिट्टी नहीं दी लगाने के लिए अंकल वो मिट्टी देते तो फिर ही है ना मैं ना तुम्हें आज कहीं और लेके जाती हूँ वो ना वहाँ से मिट्टी भी मिलती है और वो हमारे घर के थोड़ा सा करीब ही है आज मैंने कान के डॉक्टर पे जाना है ना तो तुम्हें भी साथ ले स्कूट क्यों लिया है लाइट नहीं चली पीछे से आ रहा है नजर फिर भी मेरी बात सुनो मैंने नाश्ता नहीं किया मुझे लेने दो तुमने अंडा ब्रेड खाया है इधर कर मैंने एक अंडा खाया नहीं पीस खाया है ये क्या बात है एक पीस ना ली अंडा खा गई एक पीस और तुम्हारे एग में से ना तुम्हारा हाफ एग जो था ना दो एग थे उसमें से मैंने थोड़ा सा एग ले लिया था और फिर साथ में मैं बिस्किट खा रही हूँ इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा मेरे कान में ना दिल की दर्द हो रही है रात को मैंने अपने कान में तीली मार ली थी डॉक्टर ने कहा मुझे बताया ही नहीं कि तीली नहीं मारनी कान में मुझे ये पूछ रहा था तो मैं खारिश होती है तो मैंने कहा था हाँ होती है तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि खारिश होगी तो तीली ना मारना उसके गाइस ये बहुत कड़वी है पियो उसको पी लिया चाय पी बिस्किट खा ले मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल तू भी गोल मैं भी गोल पूरी दुनिया गोल मटोल हमारा चाय को टांग ना मार दे वो तेरी चाय पड़ी हुई है अपना कप देख छोटा सा ये मेरे मामू लाए थे गाइस मामू ना चाय पी रहे थे इधर खड़ी वो चाय पीते हैं ना मामू बाहर होटल से लेके तो उनके पास काफी ज्यादा कप जमा हो जाते हैं जब मेरे नाना अबू फोत हुए थे ना तो उनके इतने ज्यादा कप निकले थे कितने कप थे तकरीबन 200 कप छोटे छोटे और नाना अबू बाहर से चाय पीते थे तो इस वजह से उनके पास इतने कप जमा हो गए फिर मैंने चाय वाले को दे दिए थे जो टूट गए हुए थे वो मैंने फेंक दिए थे और जो बच गए थे ना वो मैंने चाय वाले को दे दिए थे ओ चलो उसका भला हो जाएगा हमारा नानाबू की बहू है उनका पूछनी थी पंगे भतीजे नहीं उनका बाहर से पीनी पड़ती थी चाय बता क्या मैंने जो पूछा वो बता मुझे समझ ही नहीं आई आ गई जनन समझ तू कर नहीं नानाबू की बहू है और भतीजे उसका नहीं पूछते थे तो बारो चाय पींदा सी कौन पूछता है यार आजकल किसी बुड्ढे को हर कोई तो बुड्ढे के लिए हर कोई मतलब बुड्ढा तो बोझ होता है ना बुड्ढा तो होता है ना जो बोझ होता है हर किसी के ऊपर उन्हें तो तन कदी बोझ नहीं समझिया होना तो तन पाल पाल मर गया तन चीजा लिया लिया दे मर गया तो फिर हुन असी हुन की करिए साडे को जिन्ना हुंदा सी काढ़ने सा बाकी सा बादशाह भी रोटी दे जाने ने समझार बाकी चलो खैर गाइस साढ़े खानदान च ना साढ़े शुरू तो ही एनजी है ऐसे नहीं पूछते किसी भी मैंने लोगों के खानदान देखे हैं आपस में इतना सलूक होता है और यहाँ एक दूसरे से चलते हैं मैं हांडी बढ़ा लूँगा पहले फिर चलिए खाने बनाती है तू बना ले जैसे ये खुद बेसवादी है ना दिखने में वैसे खाने भी बनाती है तू बना ले मैं इतनी मजे की भिंडी बनाती हूँ तो खा जाती है सारी 3 रोटियां उस दिन ये खाती है जिस दिन मैं खाना बनाऊं
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਗਫਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਕਸ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਨਾ ਕੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੂਈ ਕਿ ਛੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸ ਨੇ ਗਾਈਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ कच्चा सालन लोगों ने लाई होंगी कमेंटा दी इधर मेरी बात सुने गाय जब खाने वाले ज्यादा हो और कमाने वाले थोड़े हो ना तो फिर लंबा शोरबा अल्लाह ताला ने कहा है कर लो और हमसाए को भी दे दो मैं लंबा पावे बैक तो चढ़का खांदा वो की करेगा तेरा छप्पर छोड़ा हमसाए यानी कि मैं ऊपर वालों की बात कर रही हूँ मतलब के जब खाने वाले अफराद ज्यादा हो और कमाने वाले सिर्फ एक या दो हो घर में गाइस मैं और अमरीना बहुत जल्द हम दुबई जा रहे हैं अच्छा ठीक है समरिया टूर पे हम लोग दुबई टूर करने जा रहे हैं घूमने फिरने यू नो आई एम रिच मैन I'm rich people. चारा कप वेला दा पिया गुड़िले ने कोई निका जा से तो मैं और एक कप चाय हैप्पी सुबह ऑल पर्स की हैप्पी सुबह तो गाइस इधर करो मारा मेरी तरफ अब मुझे बताएं आपने मेरे खाने की इतनी बदतरीफी की है तो अब मैं क्या करूं भिंडी चिकन की रेसिपी बनाऊं के नहीं ना बनाई तू तो बना ही ना मैं पकानी है भिंडी पड़े हुई तू मैं फ्राई कर देती गंदी औरत मेरी गंदी औरत गंदे खाने बनाने वाली अपनी हरकत तो ना बाज आई अरमान नी अरमान चौबी घंटे ते तू बैठी रहनी है बेड के उत्ते उठ के भांडे मांज चल निकल मैं भी नहीं पकाना बैठी रह फिर मैं आप ही पका लांगा मैं बल्कि बाहरों कुछ वधिया खान जावा तेरा कौन इंतजार कर दे गंदी हांडी का पैसे गए नी मैं लाई आऊंगा कट के तेरे पड़स चो मेरा पड़स कित्थे है दस गंदी का बिस्कुट थोड़ी डिगिया चुक के खा गई लख दी ला तेरी जिंदगी तमीज ना गल कर मैं चंड खा लवेंगी मेरे ना गल गंजी माई इंज गंज दिया लैड़ा नजर आ रही लीका तो टाइफाइड होया सी तुसी इलाज मेरा नहीं देना कराया मरण लगी सी साडे मां प्यो ने इलाज सही नहीं कराया तू गंज नाल मशहूर ते मैं कन पेड़िया ना नहीं हां एक मर्ज है की करा मैं यार अपने गंज पांदा ऐ ना ये जो मेरा टाइफाइड हुआ था ना उसकी वजह से उतर गए मैं ये नहीं आने मेरे बहुत हैवी बाल होते थे हमारा तुम छोटी थी तब तुम्हें नहीं पता बहुत हैवी बाल थे मेरे तो मैं पंसाड़ वाले अंकल को पूछा तो सी कहता पे उसी बाजी टाइफाइड का एक अलग तेल हों बनवा लो 800 रुपये का तू बनवा लै मैं लादा झूठ मारदा मैं फिर अगले एवं बैठे उन्होंने दुकान पर इन्ना रश हों मैं तेन क्या कोई तेल बनवाइए मैं नहीं बनवाना वाल इन्ने रुखे हो गए ने साडे हाँ खाना तेन पसंद नहीं ना है तो बस ठीक है मैं नहीं बनाना जी ला ली मैं तेरे जिद तो पुत्र तू ना बना मैं जरूरत भी नहीं हैगी तेरे खाने की मैं बाहरों जाके खाना खाना चाहती हूँ मैं तैयार होना चाहती हूँ मैं अपने बाल स्ट्रेट करके खुले करके बाहर जाना चाहती हूँ मैं डिनर करना चाहती हूँ मैं नहीं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती तो जो आई डोंट लाइक दिस योर हैंड्स फूड
जो तुम खाना खाओगी बाहर से, अच्छा वो इतने गंदे हाथों से बनाया हुआ मरी हुई मुर्गी का, नहीं शवारमा खाना नहीं, नहीं मैंने शवारमा खाना ही नहीं, उधर जाना तुमने शवारमा, मैंने कब कहा है कि मैंने शवारमा खाना, तुम्हें किस पावर के जाना भट जी पे, नहीं इतना गंदा खुड़े में रख के चिकन बनाते, मैंने खाना ही नहीं वो, तुम्हें किसने कहा है मैंने वो खाना, क्या खाना है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, बिग मैन जाना है, नहीं मोटी होना है, मैंने हवेली जाना है, हवेली जाना है पोर्ट व्यू पे जाके तो मैंने खाना खाना है, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ में खाना मैं नहीं खाना चाहती, बिलीव मी, ले जा तेरी खाना चाहनी है हवेली पे खाना उते बैठे पोर्ट व्यू ते बैठे, मैं ना उते टिक्के खाने हैं बस, और मैंनू कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मैंनू उते ते टिक्के चाहिए ने, वो भी रुखे नॉट रोटी, आई एम ऑन डाइट ना, जवाब दें दी मेनू दौड़ी ठंड पैड़ी पैड़ी हो फोर्ट व्यू मैं बैठी हुआ टिक्के खाने पैण गए बस व्लॉग बना दे मैनूं कल मैं इंज बैठी क्या पोज नाल चाह पींदी भी नाल पीछे टिकटॉक बनता पिया उम्र सारी वाह तेरा टिकटॉक जिहड़ा इलामा के पास हुंदा तां असीं दुनिया बना लैणी आ उम्र सारी तेरा मैसरा सरा पोज तो टिकटॉक ते मैं जी चाह पींदी मैं कुछ चाह नहीं पीती मतलब मेरी ना छोटी की जिन्नी एक ख्वाहिश है अल्लाह पूरी कर दे अल्लाह ताला डब्बे च पा के रोटियां ला लांगे बाहरों बड़ी बगैर बड़ी बगैर कहंदी मैं सालन पका लेनी तो रोटियां बाहरों ला लवांगे डब्बे च पा के लै मैं गंदे खाने खुवानी मिठे मिठे फिके फिके तो मैं छोड़ छप्पड़ छोड़े घ्यो भी नहीं होंदा हांडी दे विच मैं इसलिए भाभी एडा सोहना खास सालन बनांदी आ भाभी दी दाल भी एडी वधिया होंदी आ दाल ले लो भाभी कोल एडा मजा आ जांदा ना उस दिन हाय असीं कहने आ असीं भाभी नूं कहीए भाभी तुसीं साडे खाने बना दो इकट्ठे खाना बना लिया भाभी तेरे मुंह ते चंड मार दो जाए एक दफा मैंने भाभी को कहा था भाभी इकट्ठे खाना बना लिया कने भाभी कहती तुम लोगों का सोने उठने का निजाम ओड़ है मेरे सोने जागने का निजाम ओड़ है फिर इस तरह हम लोग तंग होंगी हमने तो इसी वजह से कहा था ना कि वो अच्छा खाना बना लेती है
अब वो ऐसे बनाती है, मतलब मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ ना, वो हल्की आंच पे जो है ना पतीली में चढ़ा देती है खाना। इसलिए उनका प्रेशर सारी मच खा सालन, इसलिए उनका खाना गाइस अच्छा बनता है क्योंकि वो हल्की आंच पे प्रेशर हल्की आंच पे ना रख देती है। तो मैं प्रेशर कुकर में 5 मिनट में पका लेती हूँ। मेरे दे नाल दा सियाणा ही कोई नहीं, ना मेरे हुसन वर्गा कोई इत्थे हुसन है दुनिया ते, ना सियान पूरा मेरे नाल दा, ना दिमाग किसे कोल मेरे नाल दा। साड़ियां दावां ते मेरे भी जिन्ने साड़ियां दुनिया दियां, ते उत्थे दसो मैं की करा, किते ते अपनी मैं ताकत इस्तेमाल करनी है ना, किते ते अपने दिमाग इस्तेमाल करना है ना। मैं फिर इस तरह मेरे हुसन दी बड़ी तपश जे, बहुत सोनी जे मैं। बात बिजी ना कर मेरे ना गाइस, मैंने बात बिजी कर ली, लाड़ी है मेरे साथ। फिर आप चल, चल। फिर आप कहते हैं इसको क्यों मारा है, चल ये इसलिए मार खाती है, इसने फिर मार खानी है, चल दफा हो, फाड़ अपना गंदा मोबाइल, चल निकल गंदा मोबाइल अपने कोड़ा, चल निकल, खुश खुश।